तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जहां एक तरफ बॉलीवुड में गदर 2, जवान और सालार जैसी फिल्में धमाका कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वेब सीरीज भी कमाग नहीं मूत रही हैं। भाई साहब देखो, जो ये नाम है ना राज एंड डीके, भाई साहब ये बंदे ऐसा रॉ एंड रस्टी डार्क रियलिटी ऑफ सोसाइटी दिखाते हैं जिससे लोग सीधा इनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हम तुम की ही सोसाइटी को डीपली रीड करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से एक 90s का नॉस्टैल्जिया लेकर ये फिर से हाजिर हुए हैं गन्स एंड गुलाब वेब सीरीज से। लेकिन ये तो बताओ, फिर से हाजिर का क्या मतलब है? मोस्ट लवेबल द फैमिली मैन सीरीज तो देखी होगी आपने, और शाहिद कपूर की फर्जी भी देखी होगी। बस फिर समझ जाओ कि गन्स एंड गुलाब में भी क्या तड़का होगा रेजेंट डीके के द्वारा। या दोस्तों, पूरी वेब सीरीज का मजा लेना है तो भाई साहब आपको लगभग 6 घंटे खर्चने तो पड़ेंगे, और पूरे 7 एपिसोड्स आपको स्कैन करने पड़ेंगे कि क्या चल रहा है या क्या होगा। और मैं एक गारंटी दूं, अगर आपने गलती से भी पहला एपिसोड देख लिया तो आपको मजबूरी में लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरी राइटिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन, ह्यूमर बहुत हाई है, जो ज़बरदस्ती आपसे कनेक्ट कर ही जाएगा और आपको चुलबुली काटने लग जाएगी कि यार अब क्या होगा नेक्स्ट में, अब क्या होने वाला है, आखिर लास्ट एपिसोड में क्या क्या हो सकता है। यस, तो थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ कहानी को, लेकिन स्पॉइलर नहीं दूंगा पक्का। कहानी है गुलाबगंज और शेरपुर की, जिसमें दो अपनी अपनी अलग अलग गैंग होती हैं और आपस में हो जाती है मतभेद। तो दो गैंग्स के बीच में पंगा होने का एक ही कारण हो सकता है, 2 नंबर का धंधा या तो कोई गलत काम। जहाँ दोस्तों अफीम को लेकर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, और अफीम को पूरी सीरीज में इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, आप बस इन्फ्लुएंस मत हो जाना अफीम से। कहने का मतलब है पूरी कहानी बस इसी के आसपास घूमती रहेगी। दोस्तों कहानी बेस्ड है डार्क सटायर कॉमेडी फन पर, तो इसमें ड्रामा भरपूर है, वायलेंस भरपूर है, गालियों की रत्ती भर कोई कमी नहीं है, और मेन पार्ट इसका कॉमिक, क्या हद लेवल की माहौल होता है। लेकिन इस माहौल को भी इन्होंने फुल कॉमेडी बना दिया है। ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कितना प्रॉमिसिंग ट्रेलर था, राजकुमार राव कैसे पाना से मर्डर करता है, फिर वो वाला सीन जिसमें कहते हैं कि पहले मैंने मारा, मतलब आप मर्डर को भी एक फनी वे में देख रहे होंगे। भाई साहब इनकी कहानी में लोगों के मरने पर हंसी आ जाएगी आपको पहली बार, अमेजिंग क्रिएशन राजन डीके के द्वारा। चलते हैं मेन पिलर यानी इनके कैरेक्टर पर। 4 रोल हैं जिन पे पूरी कहानी घूमेगी, और जो टूट के बरसे हैं अपनी शानदार एक्टिंग से पूरी सीरीज में, भाई मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो उस बैडेस कैरेक्टर की बात करेंगे, गुलशन देवैया उर्फ आत्माराम। इस बंदे के वरदान होता है कि मौत माफ करी जानी है, लेकिन फिर ये बनता है बैडेस सीरियल किलर, और जो छाता है ये बंदा बिल्कुल आइकॉनिक, अलग हटकर। इस बंदे का जो पोटेंशियल है आपको समझ आ जाएगा। दूसरा राजकुमार राव, बिल्कुल जोकर है ये बंदा, इसमें पूरा जोकर का काम किया है, और कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने किरदार निभाया है, बाय गॉड। ऐसे रोल सूट भी इस बंदे पर ही करते हैं, अनपढ़ गंवार वाला, एकदम डाउन टू अर्थ, जिसके अंदर से देसीपना निकलता ही नहीं है करेक्टर में। पन्ना टीपू के नाम से फेमस ये बंदा पूरी सीरीज में हंसा हंसा कर आपको मार देगा। दूसरा आदर्श गौरव दुलकर सलमान ने भी जो परफॉर्म किया है, जो रोल पकड़ा है अपना, भाई मजा आ जाएगा। वाकई में इस सीरीज के लिए इनसे बेहतर चेहरे मुझे नहीं लगता कि कोई और हो भी सकते थे। क्या सॉलिड सेट किया है, और एक तड़कता भड़कता कंटेंट विद फुल ऑफ तड़का, विद फुल ऑफ ह्यूमर लोगों के सामने इतनी बेहतरीन तरीके से पेश किया है कि मजा आने में कोई कमी नहीं लगेगी। और मेन पार्ट जो एरा है 90s का है, और इतनी बारीकी से हर एक चीज को सेट करा गया है, लाइक टेप रिकॉर्डर, पुरानी कैसेट्स का प्ले, बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी 90s के टाइम वाला, बिल्कुल ओल्ड, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, जहां तक है उस टाइम की गाड़ियां, इवन उसके नंबर प्लेट कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए, उस टाइम किया थिंकिंग ऑफ ह्यूमर, उस टाइम के जो जोक्स होते थे, उस समय का लव रोमांस का तड़का, जैसे किसी भी लड़की ने तुम्हारी तरफ देख लिया या फिर टच ही हो गए तो कहानी पूरी शादी तक पहुंच जाती थी, ऐसा इमेजिन कर लेते थे लोग, बिल्कुल वैसा वाला। मतलब छोटी से छोटी चीजों पर इतना ज्यादा बारीकी से काम करना, जो बिल्कुल आपको एक बार के लिए 90s की दुनिया में ले जाएगा डेफिनेटली। उस टाइम कैंपा कोला चलता था, वो तक इसमें मेंशन कराया गया है, तो ये वाकई में दिखाता है मेहनत, डीप क्रिएशन, डीप राइटिंग। भाई साहब फिर से कहूंगा, मुझे तो बहुत मजा आया, तुम भी देखो। दूसरी बात, नेटफ्लिक्स का सीरीज है, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई न्यूडिटी नहीं है। किस तक नहीं है बाबा, 90s के टाइम ऐसे सरेआम किस करना बहुत बड़ी चीज होती थी, जो पर्दे के पीछे छुपके ही करे जाती थी। बाकी 7 एपिसोड्स हैं, हाँ कहानी थोड़ा लंबी है, थोड़ा तो बोरियत आएगी बीच में, लेकिन पूरी सीरीज में खून खराबा जरा भी कम नहीं है। तो एक बार के लिए मिर्जापुर की याद भी आ जाएगा, और गांव का रॉ रस्टी माहौल है तो आपको गैंग्स ऑफ वासीपुर की भी थोड़ी याद आ जाएगी। क्लाइमेक्स बहुत शानदार है, आप कहेंगे यार इतनी जल्दी ख़त्म क्यों होगी सीरीज, तो जाओ देखो, मजे लो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जिसने भी ये सीरीज अभी तक देख लिया है तो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।